रसोई घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो इस मौके को और स्पेशल बनाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गणपति बाप्पा की फेवरेट स्वीट मोदक। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कटोरी सूजी। सूजी हमने यहाँ बारीक वाली ली है। आपके पास अगर नॉर्मल सूजी हो तो वो भी आप ले सकते हो, या उसको आप थोड़ा सा पीस लीजिए। एक कटोरी पीसी हुई चीनी, लगभग 2 बड़ी चम्मच घी, एक कटोरी घिसा हुआ नारियल। ड्राई फ्रूट्स में हम ले लेते हैं 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और 8 से 10 किशमिश। तो चलिए दोस्तों, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिया है एक पैन और इसे गर्म होने देते हैं। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और काजू बादाम को हम थोड़ा सा कम से कम 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि काजू और बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसके बाद नारियल को भी हम कम से कम 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। नारियल भी हमारा रोस्ट हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी का बचा हुआ घी और इसको अच्छे से गर्म होने देना है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम डाल देंगे इसमें सूजी। सूजी को हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनना है। इसका हमें सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। अब आप देख सकते हो कि सूजी का कलर चेंज होने लगा है, तो बस यही रुक जाना है। और इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी फुल क्रीम दूध। इसके अंदर हम 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करके और सूजी के अंदर डाल देंगे और फटाफट हम चला लेंगे। अगर आपको दूध कम लगता है तो थोड़ा सा दूध और डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। थोड़ी सी चीनी हम फिलिंग में डालने के लिए रखेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि डो हमारा मोदक बनाने के लिए रेडी है। तो इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने काजू बादाम और किशमिश को रफली ग्राइंड कर लिया था। इसको हम बॉल में डाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे घिसा हुआ नारियल और बाकी की बची हुई चीनी और इसको हम हाथों से एक बार का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दूध और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। आपको अगर दूध कम लगता है तो थोड़ा सा और डाल लीजिए, ताकि घोल बनने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हो कि स्टफिंग हमारी रेडी है। इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम ले लेते हैं मोदक बनाने का मोल्ड, इसको हम साचा भी बोलते हैं। ये दोस्तों इन दिनों मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको हम अंदर से घी से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये पेच डालकर। और अब हम इसमें भरेंगे सूजी का डो। चारों तरफ से दबा दबा के अच्छे से भरना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। और अब इसमें डाल देंगे हम फिलिंग वाला बोल। ये देखिए ऐसे। और ऊपर से डाल देंगे फिर से सूजी और अच्छे से हम इसको दबा दबा के सेट कर लेंगे। तो अब आपको मैं खोल के दिखाती हूँ।
ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारा परफेक्ट मोदक। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा मोदक भी तैयार कर लेते हैं सेम उसी तरीके से, और अंदर डाल देंगे सूजी का डो। अच्छे से दबा दबा के चारों तरफ फैला लेना है, और अब इसके अंदर भर देंगे स्टफिंग का बोल। ऊपर से फिर से सूजी का डो लगा देंगे और अच्छे से दबा दबा के सेट कर लेना है। तो चलिए इसे भी हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों है ना एकदम परफेक्ट मोदक। तो दोस्तों इसी तरीके से हम सभी मोदक फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि मोदक बनाना कितना आसान है, और ये भी देख रहे हो कि घर में जो रेगुलर चीजें यूज होती है उन्हीं से हम फटाफट मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे मोदक रेडी कर लिए हैं। है ना दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसी लगी आज की ये मोदक की रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।